शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गिरफ्तार करता हो तो कानून तो सबके लिए एक बराबर है ना। गरीब अराजकता नहीं फैलेगी इससे? नहीं, कोई अराजकता नहीं फैलेगी जब तक उनको दंड सामने नहीं मिलेगा। ये मकड़ जाल में कानून के फंसा के दो दो चार चार साल, और ये लिखना गलत है। औरतों के साथ अन्याय है। औरतों इस देश की हो रही हैं, शिक्षिका रही हैं, इस देश की महारानी रही हैं, और आज जो है इन गरीब महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरीके से अन्याय होना ये गलत है। कि अगर उनके साथ छेड़छाड़ होता है तो विशेष तरीके का कानून बनना चाहिए, और विशेष तरीके का कानून सरकार जब तक नहीं बनाना चाहिए तब तक वो जनता को अपनी जान बेटियों को दिल बचाने के लिए किस तरीके का काम करना पड़ेगा। सर आगामी चुनाव में क्या भूमिका होगी? आगामी चुनाव में भूमिका होगी जैसे अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा मिलते उसी तरीके से लड़ेंगे हम लोग। रणनीति के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में आपका नेता कौन होगा? लोकसभा में नेता तो अभी हम लोग नेता तय होगा। लोकसभा में जनता तो तय करेगी। पहले जो भागे हैं तो जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसमें आएगा जो नेता बनेगा तो सबसे अच्छे छटका होगा उसके नेता आएंगे। उनके नेताओं की छवि पर जैसे हम आज है सपा के बसपा के सभी छह वाले नेता अच्छे हैं। अरे लोकसभा में सीटों का झगड़ा तो है ही नहीं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से तो जनरल राज खत्म करने का झगड़ा है। सीट का झगड़ा तो खत्म है। सीट के झगड़े तो भाजपा में होते हैं। सीट के झगड़े उनके यहाँ हो रहे हैं। आज के दिन में 40-40 पार्टी उनके यहाँ तक चल सकते हैं तो हम लोग चार पार्टी से आसानी है हमारे लिए। सर आपकी क्या भूमिका होगी? हम लोगों की भूमिका होगी कि जहाँ बड़े भाई हैं हमारे एलायंस के माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे बड़े भाई जी हैं, वो बड़े स्तर के नेता हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंसाफ पार्टी को साथ में और सम्मान सहित ढंग से लेकर आए। ये तो मजबूरी हो गई इस देश की जनता का कि दूसरे फूलन देवी बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी विधायक जो है इज्जत लूटने के बाद